थाईलैंड की गवर्नमेंट ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खोल दी हैं। अब किसी भी दूसरे देश से आने वाले यात्रियों को थाईलैंड में क्वारंटीन भी नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थाईलैंड एक टूरिस्टिक प्लेस है और यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी हद तक टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने और मजबूती देने के लिए थाईलैंड गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है और अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सभी देशों के लिए खोल दी हैं। कतर के गवर्नमेंट ने कतर में आने वाले यात्रियों के लिए एक नया नियम जारी किया है। इस नियम के अंतर्गत कहा गया है कि यदि आप कतर की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 5,000 कतर रियाल होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो पासपोर्ट है वो नॉन ECR कैटेगरी का होना चाहिए। कतर की गवर्नमेंट ने वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भी देना शुरू किया है, जिसका मतलब है कि यदि आप कतर में घूमने के उद्देश्य से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। कतर में कई लोग ऐसे भी यात्रा कर रहे हैं जो कतर के रास्ते सऊदी और दुबई जाना चाहते हैं। यदि आप भी सऊदी या दुबई जाना चाहते हैं तो कतर की गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए आप कतर से सऊदी या दुबई जा सकते हैं। जो लोग भारत से चाइना जाना चाहते हैं उनके लिए बुरी खबर है। चाइना ने भारत की किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है, तो किसी और देश से होकर भी अगर आप चाइना जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि चाइना केवल उन्हीं लोगों को एंट्री दे रहा है जिन लोगों ने वहां की अप्रूव्ड वैक्सीन लगवाई है। भारत के एयरपोर्ट पर अब नियमों का कुछ बदलाव किया गया है। भारत के किसी भी एयरपोर्ट से अगर आप सफर कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या बेंगलुरु हो, अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है तो आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूर दिखाना होगा। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने डोमेस्टिक फ्लाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन प्रतिबंधों के तहत बिना वैक्सीनेशन के कोई भी डोमेस्टिक फ्लाइट से सफर नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में डोमेस्टिक फ्लाइट के थ्रू कहीं सफर करना चाहते हैं तो पहले आपको वैक्सीनेशन कराना होगा, तभी आपको फ्लाइट से सफर करने को मिलेगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि आईटा ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें कहा गया है कि सभी इंटरनेशनल एयरलाइंस फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को ही यात्रा की इजाजत दें। आपको बता दें कि दुनिया के लगभग सभी देशों ने अपने अपने नियमों के अनुसार उड़ानों को इजाजत दी है, जिसके कारण पैसेंजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए आईटा ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें सभी देशों से अपील की गई है कि सभी इंटरनेशनल एयरलाइंस केवल उन्हीं लोगों को यात्रा की अनुमति दें जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। लगभग सभी देश आईटा की इस अपील से सहमत भी हैं।